मुस्लिम बहनें मोदी से खुश है कि नाराज? हाँ खुश है, खुश है। लगता है मोदी को फिर चुनेंगी मुस्लिम? चुनेंगे बिल्कुल, बिल्कुल चुनेंगे। आएंगे मोदी जी? हाँ आएंगे। लेकिन कहना राहुल गांधी हमें चुनाव दिला दो। अरे मोदी जी आएंगे, राहुल गांधी कहाँ आएंगे? मोदी जी कोई नहीं बनेगा सिवाय मोदी के, कोई नहीं बनेगा, कोई डाउट नहीं है। ममता बनर्जी कोई नहीं बनेगा, सिर्फ मोदी ही आएंगे। मोदी में कोई जादू है क्या? ऑफ कोर्स है, अच्छे अच्छे नहीं कर पाए, राम मंदिर बना दे रहे, अच्छे अच्छे नहीं कर पाए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पत्र, मेरा नाम है विनोद शर्मा। राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, रामलला टेंट से उठकर महल में जाने वाले हैं, आखिर जनता कैसे देखती है, सीधा बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? शोभिका। क्या कहेंगी अब 22 जनवरी आने वाली है, ऐतिहासिक तारीख होने वाली है, रामलला अब तक टेंट में थे लेकिन अब महल में जाने वाले? बिल्कुल, मैं यही कहूंगी कि हमारा बहुत कई बरसों का इंतजार खत्म हो रहा है और हम जल्दी ही वहाँ पहुँचे। जय श्री राम। क्या कहेंगे, कैसे देखती हैं? लगातार राजनीति भी हुई लेकिन अब कहीं ना कहीं कहते थे कि रामलला टाट में, नेताजी टाट में, अब रामलला महल में जा रहे हैं। बिल्कुल, रामलला जी को फोन का था ही तो उनको जाना ही था महल में। आज से नहीं, 500 वर्षों से हम लोग इसी चीज़ का, हम लोग बहुत ही लकीएस्ट जनरेशन है जो हम लोग अपने आँखों के सामने मंदिर बनता हुआ देख रहे हैं। तो हम लोग एक ही कहेंगे, जल्द जल्द से जय श्री राम और जल्द से जल्द हम लोग वहाँ पहुँचेंगे मंदिर के दर्शन करने। मानती है कि सौभाग्यशाली है कि हमें इस, बहुत सौभाग्यशाली है कि हम लोग के सामने मंदिर बन रहा है, क्योंकि तो कई पीढ़ियों से हम लोग के बाबा दादा की पीढ़ियों से इंतजार हो रहा था, तब वो छोटे से टेंट में रहते, हम लोग का अब सपना साकार हो रहा है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि मंदिर बनाने से कोई रोजगार थोड़ी मिलेगा, मंदिर बनाने से कोई पैसे थोड़ी कमाए जाएंगे, मंदिर बनाने से कोई नौकरी थोड़ी मिलेगी। घर बैठे कोई चीज़ नहीं मिलती, उसके लिए कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, तभी चीज़ें मिलती हैं। भाजपा सिर्फ चुनाव जीतने के लिए मंदिर मंदिर कर रही है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी जाने वाले? नहीं नहीं, मोदी जी ने जो काम किया वो सात पुश्ते नहीं कर पाएंगी, अदर जो है। गैरव की बार तो मोदी हटाओ देश बचाओ। नहीं नहीं, मोदी ही आएंगे और मोदी ही रहेंगे। क्या कहेंगी, मोदी हटाओ देश बचाओ कह रहे? वी सपोर्ट मोदी ओनली, मोदी 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 जी की जय, जय श्री राम। क्या कहेंगे, लगातार राजनीति भी इस पूरे मुद्दे पर होती हुई नजर आ रही है। कह रहे हैं कि भाजपा मंदिर का मुद्दा इसलिए उठा रही है कि उन्हें 2024 में चुनाव जीतना है। तो जीतना तो है ही, वो उनके अलावा और कोई अगर लाएगा तो सब बर्बाद हो जाएगा, और वो है तभी मुमकिन है, और मोदी योगी की वजह से ही राम मंदिर भी बन पा रहा है। पाल सिंह यादव कह रहे हैं कि हम बनवा देते राम मंदिर सत्ता में। इतने सालों से वो कहाँ थे, अभी तक कहाँ थे वो? अगर मोदी योगी है तभी ये पॉसिबल है, वरना कुछ पॉसिबल नहीं था। वी सपोर्ट मोदी ओनली एंड जय श्री राम। कह रहे हैं शिवपाल यादव कि हम बनवा देते राम मंदिर। अरे बिल्कुल नहीं बनवाना होता, अब तक कब का बन चुका होता, अब बार बार चांस नहीं मिलता है। अगर ये हो सकता था, ये मुमकिन होता उनसे, तो ये आज ये नौबत नहीं आती कि अब हमें ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। तो इसलिए अब आपकी सरकार मोदी सरकार, और आगे आने वाले हर बरस में मोदी सरकार ही आएगी। जय मोदी, मोदी 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 जी। क्या कहेंगी, एक तरफ यहाँ पर भी मेला लगा है लेकिन अयोध्या भी सजी हुई अब की बार। जी जी, अयोध्या ज्यादा अच्छा है, वहाँ जाना चाहिए। अयोध्या जाएंगी? जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। क्या कहेंगी, राम जी के दर्शन के लिए रामलला अब महल में अपने प्रवेश करेंगे, आप लोग जाएंगे दर्शन के लिए? बिल्कुल, उम्मीद तो पूरी है पूरी कोशिश हम लोग की जाने की। कैसे देखती है, बड़े सालों बाद कई पीढ़ियां बीत गई उसके बाद ये दिन आया? बहुत खुशी का दिन है, बहुत बहुत इंतजार के बाद ये दिन आया है। लेकिन कह रहे हैं कि मोदी जी चुनाव जीतने के लिए मंदिर मंदिर कर रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है, मोदी जी ने बहुत काम किए हैं, सब कुछ चुनाव जीतने के ही लिए नहीं किया है, ये हमारे धर्म के लिए है। लगता है कि मोदी तीसरी बार बनेंगे प्रधानमंत्री या फिर आपकी बार बनेंगे? 110% बनेंगे, मोदी को ही लाएंगे क्या? जी बिल्कुल। तीन तलाक की बड़ी बात हुई, क्या लगता है कि तीन, ये तो ठीक हुआ है, ये सही है। आप मानती हैं तीन तलाक खत्म करने से शांति हुई है? जी सही है। हाँ, जी। लेकिन लोग कहते थे कि मोदी जी तीन तलाक को क्यों खत्म करना चाहते हैं? अरे बहुत लोग नशे ऐसे में छोड़ देते थे कहीं कुछ, अभी ऐसा नहीं हो रहा कि चाय कम है, चाय में चीनी कम है, तीन तलाक दिया। नहीं ठीक है, ये तो सही है। काम अच्छा किया मोदी जी ने कि बेकार? हाँ अच्छा किया, बहनों के लिए ठीक किया, ठीक ठीक। हाँ बहुत अच्छा किया। मुस्लिम बहनें मोदी से खुश है कि नाराज? हाँ खुश है, खुश है। लगता है मोदी को फिर चुनेंगी मुस्लिम? चुनेंगे बिल्कुल, बिल्कुल चुनेंगे। आएंगे मोदी जी? हाँ आएंगे। लेकिन कहना राहुल गांधी हमें चुनाव दिला दो। अरे मोदी जी आएंगे, राहुल गांधी कहाँ आएंगे? मोदी जी बताइए, 2024 का चुनाव आ रहा है, मोदी जी के बारे में क्या सोचती है? मोदी जी आ रहे हैं कि मोदी जी जा रहे हैं?
अब अभी तो हम कुछ नहीं बता सकते हैं, अभी क्या बताएं, जब आएगा इलेक्शन तो देखा जाएगा। दो बार से तो आपने मोदी को चुना है, मोदी ने भी बड़े वादे किए हैं महिलाओं के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक हटाया, किया लेकिन कुछ किया नहीं ना, सिर्फ वादे किए, वादे के अलावा और कुछ नहीं किया। तो 3 तलाक जो होता था उसको भी हटा दिया मोदी सरकार ने। अभी हमको मालूम नहीं ना, शायद हमको मालूम नहीं ना तलाक के बारे में। क्या लग रहा है, महंगाई ज्यादा है कि कम है? बहुत ज्यादा है महंगाई तो, बहुत ज्यादा। क्या कहेंगे, महंगाई तो ज्यादा है, गरीब बेचारे कहाँ जाएंगे, 500 रुपया कमाने वाले 500 में राशन भरवाएंगे कितना खाना खाएंगे, कौन करेगा महंगाई को कम? हाँ अभी आने के बाद सरकार पता चलेगी महंगाई कौन कम करेगा। चाहती है कौन आना चाहिए, रुक जा बेटा, अब हम भी हम नहीं बता सकते ना, कैसे हम बता दे आपको। अच्छा, मोदी का कामकाज कैसा लगा? हमको तो कुछ नहीं अच्छा लगा। अब आप बताइए क्या लगता है, मोदी जी का कामकाज कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तीसरी बार मोदी जी जीत रहे? बिल्कुल जीतेंगे, बिल्कुल। क्या कहेंगे, जीतेंगे मोदी? 100% जीतेंगे। मोदी हटाओ देश बचाओ, कोई हटा ही नहीं सकता, गठबंधन तैयार है, कोई हटा नहीं सकता, हम कह रहे हैं कोई नहीं हटा सकता। राहुल गांधी? कोई नहीं हटा सकता, कोई नहीं हटा सकता जी, जो बेच रहे उनको ये बुरा लग रहा है, ऐसा नहीं, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अगले के बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको कोई नहीं हटा सकता, हम चैलेंज कर रहे हैं, कोई नहीं हटा सकता। राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है 22 तारीख को। अयोध्या की ही हूँ मैं, अयोध्या से ही आई हूँ। मैं वहीं की हूँ, मैं मई की आई हूँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे जो नहीं कर पाए वो मोदी कर रहे हैं, और उनको कोई नहीं हटा, जो अच्छे अच्छे नहीं कर पाए वो मोदी कर रहे हैं। भाई राहुल गांधी कह रहे हैं हमें प्रधानमंत्री बना दो, मोदी से भी अच्छा काम करेंगे। कुमार कह रहे हैं चलो इनको छोड़ो मुझे बता दो। कोई नहीं बनेगा सिवाय मोदी के, कोई नहीं बनेगा, कोई डाउट नहीं है। तब एनर्जी, कोई नहीं बनेगा, सिर्फ मोदी ही आएंगे। मोदी में कोई जादू है क्या? ऑफ कोर्स है, अच्छे अच्छे नहीं कर पाए, राम मंदिर बना दे रहे, अच्छे अच्छे नहीं कर पाए हैं। कोर्ट ने बनाया, हम बना देंगे राम मंदिर। क्यों अभी तक कहाँ थे, नहीं बना पा रहे थे, अभी तक क्यों नहीं बनवाया, अब तक बनवा देना था। कह रहे मोदी जी को डर लग रहा है चुनाव हार जाऊंगा इसलिए मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, मोदी जब आए थे तभी उन्होंने राम मंदिर के लिए बोल दिया था, वो तो आज बोल रहे हैं सब, अभी तक सब सो रहे थे तब क्यों नहीं बोला था, आज क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मोदी जी, मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी नहीं हटेंगे और देश भी बचा रहेगा। नहीं लग रहा आपको गठबंधन मोदी को हटा दे? कुछ नहीं हटा पाए, जितने गठबंधन ने लग जाए पर मोदी नहीं हटेंगे, मोदी रहेंगे। फाइन, बदल गई अयोध्या, बहुत हो गई, एक टाइम पे कुछ नहीं थी आज बहुत हो गई है, कुछ मैं अयोध्या की ही हूँ, कुछ नहीं था वहाँ पे, कुछ नहीं था, अब बहुत कुछ हो गया, अच्छे अच्छे आ रहे हैं, अच्छे अच्छे अयोध्या आएंगे, अयोध्या का नाम हो गया है, एयरपोर्ट नहीं था एयरपोर्ट बन गया है, अभी जल्दी में हुआ उद्घाटन, पता है आप लोग को, बहुत अच्छे, मोदी इज द बेस्ट, कोई नहीं आ सकता, मोदी बेस्ट। तो सुना आपने जनता की आखिर राय क्या है, क्योंकि 2024 के चुनाव से पहले जिस तरीके से 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, तो कुछ विपक्षी दलों का यह कहना है कि मोदी जी राम मंदिर का उद्घाटन चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं, लेकिन जनता की आखिर क्या राय है, जनता क्या सोचती है, आम जनता की राय मैंने आपको दिखाई, आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन अंकित के साथ विनोद शर्मा, लखनऊ से।